बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रेसिपी हाफिज लुबना। आज आपसे शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन पालक की रेसिपी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। पैन में हमने डालना है ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। थोड़े से जो हैं वो होल स्पाइसेस जाएंगे इसमें, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची। 30 सेकेंड के लिए इसको सौते करेंगे। एक छोटी प्याज को बारीक अच्छे से चॉप करके इसमें डाल के फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हमने इसमें वन होल चिकन ऐड करना है। वन होल चिकन को मैंने कढ़ाई कट कटवा लिया था। अब मैं जो है इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए हमने कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भुन जाए। चिकन अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले जाएगा इसमें दही। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को अच्छी तरह चॉप करके मैंने इसमें डाला है, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब बारी आती है स्पाइसेस की, ड्राई स्पाइसेस की। फ्लेम को मीडियम पे रखें और सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दें। अब आप चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनें हाई फ्लेम पर और इस दौरान इसको स्टर करते रहें ताकि चिकन मसाले के साथ नीचे ना लगे। चिकन अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे पालक। पालक को मैंने अच्छी तरह वॉश करके बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया है चॉपर में डाल के। अब हम जो है वो पालक के साथ इसको अच्छी तरह चिकन को मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन मैंने 1/2 कप पानी बस ऐड करना है, क्योंकि चिकन का पानी और पालक का पानी अपना बहुत ज़्यादा होता है और ये इसी में अच्छी तरह कुक हो जाएगा। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से होगा और ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून लेके अब आप इसमें डालेंगे और इसको जो है वो दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट्स के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे। उसके बाद हमारा टेस्टी सा चिकन पालक रेडी होगा। कसूरी मेथी मैंने मिक्स करके इसको दम दिया है, अब फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा चिकन और पालक रेडी है। अगर आप सब्ज़ियों में और जो है वो मीट बना रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरह चिकन पालक बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। उबाल के पालक उसका पानी फेंक देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। अब हम थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे बॉयल राइस के साथ, नान के साथ, जिस तरह आपको पसंद हो। मुझे पर्सनली वाइट राइस जो है उसके साथ पालक बहुत अच्छी लगती है। तो इस बार आपने इस तरह से चिकन पालक घर में बनानी है, यकीनन सब ज़रूर तारीफ़ करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।